अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब खैरियत से हैं? हम भी खैरियत से हैं। आज जो है बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है, रात से ही हो रही है। और ये देखिए कि सदा तेज़ बारिश है, मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। अभी तो बच्चे वगैरह सब सो ही रहे हैं क्योंकि आज है संडे। अजीम भी सो रहे हैं, नीचे भी सब सो ही रहे हैं। ये देखिएगा। अच्छा खैर, जब बारिश होती है तो फीलिंग जो आती है ना वो बहुत बेहतरीन वाली आती है, बहुत अच्छा सा लगता है। और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, लाइट आए ना आए कोई फ़र्क नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम है बहुत ठंडक है, एक ही पंखा चला रखा है उसमें भी ठंड लग रही है, लाइट भागी है अभी अभी। फ्रेंड्स, बारिश तो हो रही है बहुत तेज़, अब्दुल्ला को भी बुखार हो रहा है बहुत तेज़। ज़रा आ जाए सुबह ही सुबह। जैन जैन खेल रहा था अपने कमरे में, आवाज़ें दे रहा, मैं जो गई तो मुझे छोड़ा नहीं, फिर मेरे साथ आ गया। मुन्ने आ जाओ, आ जाओ, चलो मेरा मुन्ना चलो। और मदियायान तो सो ही रहे हैं। चलो चलो जैन आ जाओ, चलो आ जाओ गुड्डे। अरे मेरा बच्चा इतना खुश होता है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नीचे की बालकनी में अनम की, और यहाँ का हो रहा है बहुत ज़्यादा बुरा हाल, पानी भर रहा है। ओहो, और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि रूम में ही पानी आ जाता है यहाँ पर। इसका जो ढाल है ना, ये उधर की साइड है, दूसरी साइड छप छप हो रहा पानी में। ये देखो, ये जो ढाल है ना, ये सारा उधर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में बाढ़ आ गई हो। देखो कैसे बह रहा पानी सारा, ये उधर रूम से आकर और उधर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, चाय जो है बनने रख दी है, एक तरफ जो दूध है हमारा बॉयल हो रहा है। और आज जो है मदिया कह रही हैं, क्या बना रही हो मदिया? फ्रेंच फ्राइज। तो आलू छीलने पर लगी हुई है क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मदीहा हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन मदीहा को नहीं आ रहा समझ में। मदीहा कह रही है मैं बना रही हूँ, आप नहीं बना रही, तो ठीक है मदीहा। तो फ्रेंड्स, हमने जो है आलू धोकर जो है वो छन्नी में रख लिए थे, और अब इस तरीके से कर रहे हैं हटाना मदीहा। अब ये जो है आलू हम पानी में डाल रहे हैं, फिर इसको धोकर सुखाकर हम इसकी रेसिपी देंगे आपको, हम कैसे बनाते हैं। तो हमने जो है अपने आलू जो हैं इस तरीके से भिगो दिए थे, और अब इन्हें वॉश कर लेते हैं बढ़िया कर कर, फिर अब इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसे सूखे कपड़े में ले लिया है, और अब इन्हें इस तरीके से मैं पूरा सुखा लूँगी, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी डाल दी है इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी ऐसे हो गया। मम्मी डाल दी है इसमें नमक। अब हमने स्वाद अनुसार लेना, आप बनाओगे तो और लोगों की सारा तैयार तो उड़ गया। उड़ गया ये कॉर्नफ्लोर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी उड़ा है ये, उड़ेगा ये तो यार, बच्चा हो ही जाएगा। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब बस नमक और कॉर्नफ्लोर ही डालना है और कुछ नहीं डालना है इसमें। बस अब जो है मैं कढ़ाई में फटाफट तेल गरम करती हूँ, और ये जो है हमारे मदिया छूते नहीं इसको बार बार, बस हो गया तो हो गया, ये तो हमारे तैयार है फ्राई होने। तो फ्रेंड्स, अभी ये हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और मम्मी बस अभी से चलाएगी क्योंकि ये नीचे लग जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फ्राइज हैं वो बहुत टेस्टी बने हैं, और हमने तो एक वो खा भी ली बनते बनते, मज़ा आ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहे हैं। मौसम जो है ना अभी ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश। जल्दी जल्दी खा लो वरना ये फ्राइड क्रंची बने। अच्छा, तो यार चाय से तो खाए।
आ रही है मदिया पकड़ने। तो फ्रेंड्स हम जो है अब सफाई कर रहे हैं और आज जो है ये कूलर बस रख रहे हैं क्योंकि ठंडक सा मौसम हो रहा है। अगर ये दरवाज़ा इसकी वजह से बंद ही रहता है, एक छिपकली आ गई थी तो वो अजीम ने भगाई है। अब बस ये कूलर का पानी वानी जितना भी है थोड़ा बहुत वो निकाल देते हैं फटाफट और फिर इसको रखते हैं यहाँ से उठाकर, और फिर ये हमारा बहुत बेहतरीन से दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत मज़ेदार हवा आएगी यहाँ से। क्या हुआ, भाग गई? कहाँ है? अरे वो तो उधर चली गई। कहाँ देखो, तो पानी से नहीं चला जाता ना, छिपकर लेती है हमारे यहाँ पे। अरे ये कूलर यहाँ से ना ये यहाँ अड़ जाएगा। आप कैसे कर रहे हो, रुको तो सही, मैं तो कह ही रही हूँ यहाँ से नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो गया। हाँ तो ये ऐसा है, ये जो कूलर है ना बहुत मुश्किल से हमने यहाँ पर बाहर निकाला है, इन्होंने गलत दरवाजे से निकाला है, यहाँ से दूसरी तरफ से जाता। और यहाँ से हमारी जगह देखो कितनी अच्छी हो गई है, खाली खाली सी लग रही है और दरवाज़ा भी ये खुल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो गई है ये जगह, तो बहुत सुकून सा हो गया है। देखो कितना बेहतरीन लग रहा है ये जगह, वाओ। तो हमारा जो है ये जगह खाली हो गई और बहुत बढ़िया लग रही है, खुलकर खुला खुला हो गया पूरा यहाँ से भी। धूल ना अगर आप कहीं कोने में भी रख देना कोई चीज वहां भी जम जाएगी, धूल ऐसी चीज है हर जगह। ये साइड से खड़ी हुई थी तो सामने से तो साफ हो जाती थी और साइड से जो है गंदी थी। तो फ्रेंड हमारा जो है क्लीनिंग का सारा काम निमट गया है और अच्छा कुंडी लग रही है, यहाँ बारिश भी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है लेकिन हो तो रही है। और बस मदीहा जो है अभी पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पर हमारे जो है ना ये मैंने कपड़े जो मेरे गीले कपड़े थे वो सब सुखा दिए, यहाँ पर डाल दिए, मतलब फैला दिए हैं जिससे ये सूख जाएं क्योंकि बाहर बारिश रुकी नहीं रही, तो यहाँ पर डाल दिए हैं। तो बस अब चलते हैं हम नीचे, कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर भी फैला दिए हैं तो अब नीचे चलते हैं हम, देखते हैं खाने में क्या बनता है फटाफट। हमारा जैन जो है तैयार हो गया और अब हम चल रहे हैं, चलो घूमने आ जाओ। ऐसे ले जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे बनना है बैंगन और इसमें बनना है स्टू, स्टू की बस तैयारी चल रही है। अनम जो है प्याज वगैरह काट रही है, अनम बनाएगी स्टू। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा स्टू बनकर रेडी है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। और बैंगन भी हमारे रेडी हैं, चावल भी रेडी हैं, बस अब रोटी डाल रहे हैं, रोटी बनाने की है सीन तो बस अब रोटी डालते हैं। खाना हमारा बिल्कुल रेडी है तो मिलते हैं लंच के बाद। तो फ्रेंड्स हमारे जो है ना नीचे घर में पानी की बस बाढ़ आ गई है। ये देखिएगा पतलाना जो है ना वो कल जो है वो सफाई करी थी ना बच्चों ने ऊपर, अब वो जो है जो सफाई करा रहा था वो नीचे आ गया, तो अब जो है ये सब पानी, बेचारा विशाल भाई हमारे लगे पड़े हैं और सब भी हैं। ये यहाँ नीचे सब पाइप वगैरह जोड़ रहे हैं। ये जो है यहाँ पर जो है जा नहीं रहा, पाइप जुड़ नहीं रहा है, इस वजह से ना ऊपर पानी नहीं आ रहा। ऊपर तो तभी पानी आएगा जब पाइप जुड़ेगा। भैया ये जो ने दिखे कहाँ से हो गई खट्टी, ये सारे घर में यहाँ से वहां तक सब में यही हो रहा भाई, पानी ही पानी है, ये रहा पानी ही पानी है सब पूरे घर में, बस ये है कि घर में आई बाढ़। यहाँ पर जो है ये सब लगे पड़े हैं पाइप ठीक करने में, लेकिन पाइप ठीक नहीं हो रहा, मतलब जुड़ नहीं रहा, जॉइंट जो हो रहा ना उसका जॉइंट पे लगनी, पहले बंद कर लेते तब करते ना, हाँ वरना तो होता नहीं।
यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे बच्चे तुरपाई कर रहे हैं। सुभान ये जो है विशाल भाई लग रहे हैं। जान की एक्टिंग और दिखाई ओवर रिएक्शन भैया पाइप निकालने पानी के लिए क्या हो गया? किससे करवाई? जिससे भी करवाई ना उसने बहुत गलत करी सफाई। और ये जो है बहुत ज्यादा पानी और ऊपर से भी आ रहा, ज्यादा भर गया। ये सब अपनी सड़कें धोने में लग गए। तो पकड़ लो, तुम कर लोगे, मैं जाकर पकड़ आना, तू पाइप लाते रह, इसे बताते हैं। ये एलबेट निकाल के ना डाल लो इसमें। नहीं अब्दुल्ला की नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिएगा पानी से जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये पानी ऐसे चल रहा है जैसे हम किसी नदी में आ गए हों। और वो जो है हमारा पाइप निकलने को तैयार नहीं है, बहुत तकड़ा पानी। तो फ्रेंड्स शाम का वक्त हो गया है, मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। येलो है ये येलो। मामा की तो अभी से ही जलती है, सारा दिन ही चलाते हैं वो लाइट। हमारा मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो रहा है। और आयान जो है साइकिल चलाने जा रहा है। आयान कहाँ जा रहा है? खाना अभी दे रहे। चलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं कीमा और अरबी की सब्जी और पूरी। बस तैयारी चल रही है। ठीक है लगा दो इसकी ये सीटी वीटी लगाओ। अनम नए तरीके से बना रही है तो हमारा जो है सारा काम बस निमट गया। अनम बहुत ज़्यादा थक गई है, वो पतला निकालने में पूरे पाइप ने बड़ा परेशान कर रखा बहुत ज़्यादा। जैन को झूला झूला दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अरबी ले आई हूँ मैं। अम्मी ने अरबी छील ली, इतने मैंने बर्तन धोए। अम्मी ने अरबी छील दी, अनम ने कीमा बनने रख दिया। अब खाने की जो है बिल्कुल तैयारी है, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब जो है मैं अरबी बनाने जा रही हूँ और हम तो सौन करी बनाते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं सौन करी अरबी बनाती हूँ। तो बस फटाफट सारे मसाले डाल कर रख देती हूँ सौन कर अरबी। और फिर तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर हमारी जो है कीमे की प्याजे तैयार हो रही हैं कट कर। और यहाँ मैंने जो है ये अरबी सौन दी है। हम जो है सौन कर ही बनाते हैं, बाद में इसमें हम बघार लगा लेते हैं। तो बस बेसन मैं लगा देती हूँ, डाल दूँ मैं इसमें, बहुत हो गई ठीक है बेसन। तो बस इसमें मैं सीटी लगा दूँगी, चार बहुत हो जाएंगी, चार सीटियाँ लगा देती हूँ और हमारी अरबी फिर बाद में अच्छी तैयार हो, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जो है कढ़ाई कीमा बनकर रेडी है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा। शॉर्ट्स में मैं रेसिपी दूंगी, शॉर्ट्स में अनम की लाइफ में जो है रेसिपी दी है इसकी, ये कैसे बनाया है देखिए, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा सा लग रहा है। और अब हम इसके साथ बनाएंगे पूरियां, मजा आ जाएगा, तो बहुत बेहतरीन मजा आ जाएगा। अरबियां भी हमारी बनी रही है, गल गई, बस ये भी बन रही है, इसमें भी बघार लगेगा फटाफट, ये भी फिर रेडी है। फ्रेंड्स बस हमारा जो है खाना वो रेडी हो गया है। ये देखिए अरबियाँ भी बस बन गई हैं और कीमा भी रेडी है, आटा भी रेडी है पूरियों का। बस अभी गूंदा नहीं, सेट हो जाए तो फिर बस पूरियाँ डालेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी जो है लाइट ठीक हो रही है, नरेंद्र भाई लाइट ठीक कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे नरेंद्र भाई रात में भी आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी आदत के हैं। और उस दिन लाइट इन्होंने ही ठीक करी थी हमारी आकर, जब परसों हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, तो अब ये जो कमी थी ये ठीक करने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अजीम की जो है थाली है वो बिल्कुल रेडी है, वो पूरी नहीं खाते हैं, उन्हें जो है रोटियाँ ज़्यादा पसंद हैं और वो कीमा भी कम खाते हैं, गोश्त के ज़रा परहेज़ कर रहे हैं। तो अरबी कीमा रोटी दे रही हूँ मैं उन्हें फटाफट। तो फ्रेंड्स बस अब जो है हमारी पूरियाँ भी बन रही हैं फटाफट, और
थाली जो है लग रही है, हम जो है थालियों में ही खाते हैं अक्सर। तो अजीम तो खाते नहीं पूरी, तो उनके लिए मैंने रोटी डाल दी थी, वो तो खाना खाकर चले गए हैं। और बच्चे जो हैं वो अरबी से पूरी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस फटाफट जो है मैंने तैयारी कर ली है। और तो फ्रेंड्स हमारा जो है खाना रेडी हो गया है और अब हम हैं दस्तरखान पर फटाफट सब। और सब ने तो खा लिया था, बस मैं विशाल अनम हम लोग रह गए थे। तो बस अब हम लोग खाना खाते हैं और बस फिर थोड़ी देर में मिलते हैं खाना वाना खाकर। विशाल भाई ये बैठे हैं हमारे साथ। तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह हमारा सारा निमट गया है और अब हम आ गए हैं अपने ऊपर रूम में। अयान के हो रहा है पैरों में दर्द। अयान जो है साइकिल ज़्यादा चला रहा है आजकल। मदिया हमारी ये बैठी है। तो फ्रेंड्स पापा ने ये खाली करा तो हमें अब बहुत खाली खाली सा लग रहा है। क्या चीज रखा था? वो मेरे ना चैनल है मदिया के नाम से, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं करा और जल्दी से जाओ और उसे सब्सक्राइब का बटन दबा के आओ जल्दी से। उस पे बताओ क्या डाली थी मेरी वीडियो। मदिया ने डाली है। और मदिया ना अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो बना रही थी तो ये कह रही थी कि हमारा जो कूलर है ना वो लूज मोशन कर रहा है। मुंह से निकल गया गलती से। यूज तो इसके मुंह से निकला नहीं, इसके मुंह से निकल गया, लूज मोशन कर रहा है। मैंने लूज मोशन कूलर कहाँ से करता है भाई। ये मदिया भी नया नया बात कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर हमारा चैनल बनना हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए है ना। मदिया का बटन दब जाता है जब मैं वीडियो एंड करती हूँ ना, तो मदिया एक सांस में बोलने लगती है। तो फ्रेंड्स हम जो है इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।